का मैं YouTube चैनल, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है मदर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और सबसे पहले मेरी माँ को प्रणाम। मेरी माँ तो वीडियोस वगैरह नहीं देखती है, उसको तो मोबाइल, वो तो मोबाइल भी नहीं चलाती है। मतलब मेरी माँ ना लास्ट, आपकी ना लास्ट जनरेशन बोल सकते हैं, जो ना अब विलुप्त तो होने वाली है। आप सभी की माँ मोबाइल चलाना जानती है। तो बज रहे हैं 10:30 और मुझे ये केक 4 बजे देना है, और आज मेरी ना ऑनलाइन क्लास भी है। तो सबसे पहले तो आज है मदर्स डे, आप सभी को हैप्पी 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 मदर्स डे, और सभी माओं को प्रणाम। और मेरी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है मुझे। वैसे वहाँ थे तो कुछ ऐसा स्पेशल करते तो नहीं थे, लेकिन दूर जाओगे ना अपने माँ से तो ये एहसास होता है। शादी के बाद ही ज़्यादा एहसास होता है, पास में रहोगे तो उतना एहसास होता है लेकिन उतना नहीं, लेकिन हाँ दूर जाओगे तो बहुत ज़्यादा कमी एहसास होती है। ये देखिए स्पॉन्ज तैयार हो गई है, और आज है मदर्स डे, तो आज का केक हमारा मदर्स डे वाला बनेगा। और पता है आज का केक ऐसा है कि ना बिल्कुल भी क्रीम यूज़ नहीं करना है। मैं 200 ग्राम क्रीम व्हिप कर ली हूँ, लेकिन आज ना क्रीम ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना है। पता है ऐसा बोला है कस्टमर ने, बार बार बोला है कि हमको सॉफ्ट केक चाहिए, सॉफ्ट केक चाहिए, क्रीम ना कम होनी चाहिए ऐसे करके, और चोको च्यूब्स भर भर के डालना है बोले हैं। ठीक है, तो इसकी मैं अभी लेयर कट करूँगी। अभी थोड़ी सी गर्म है, ये देखो देखो हमारी स्पॉन्ज कितनी तेज सॉफ्ट बनी है ना। तो अभी ना थोड़ी सी गर्म है, फिर भी मैं लेयर कट करूँगी। फैन ऑन कर देती हूँ, इसका काम करते जाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। और आज मेरी क्लास भी है, 12 बजे से स्टार्ट है, तो उससे पहले मुझे ये केक ख़त्म कर देना है। और फ्रिज पे मेरा एक और केक रखा है, ये देख लीजिए, ये रात को ऑर्डर आया था, 1 घंटे में उसको चाहिए था, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, वो लेकर ही नहीं गए हैं और अभी तक उनका कॉल ही नहीं आया है। ऐसा तो नहीं कि वो केक लेकर नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन एक केक रखाया है। और अभी एक आज ना, जो कल मैं वनीला केक उसको बनाकर दिखाई थी हमारे स्टूडेंट को, और आज हम बनाएंगे ये वाला केक चॉकलेट केक का, उसको बताऊंगी आज कैसे बनाते हैं ये। और आज इसको ना कढ़ाई से बेक करना सिखाएंगे, क्योंकि उसके पास ना ओवन नहीं है। वैसे तो मैं बता दी थी कढ़ाई पे कैसे बेक करना है, लेकिन वो चाहते हैं कि ना, मेरे हस्बैंड बोल दिए कि कढ़ाई से बनाकर दिखाए क्या, फिर वो बोलते हैं कि हाँ कढ़ाई से बनाकर मेरे को दिखा दे यार एक बार, तो आज वही करूँगी मैं। वैसे कढ़ाई से बेक मैं ऑर्डर वाले को ना 2 बार से की हूँ, जब एकदम लाइट बंद था तभी, बाकी तो नहीं की हूँ ज़्यादा। मैं ओवन से ही काम चल जाता है, जब लाइट ऑफ रहती है और एकदम इमरजेंसी ऑर्डर रहता है ना तभी मैं लेती हूँ, मतलब करती हूँ कढ़ाई से बैग। पता नहीं मेरा ध्यान इधर, बात करते करते मेरे से बहुत मिस्टेक होती है। उस दिन भी बात करते करते हमारा केक 36 टुकड़ा हो गया था, और अभी देखो कैसे बात करते करते ये हो गया। तो अभी मैं बात नहीं करूँगी गाइस, काम करूँगी, आप देखेंगे बाद में वॉइस ओवर करके आप सबको दिखाऊँगी। प्लेट, अब प्लेट में हम सारी लेयर्स रख देंगे, लेकिन पता नहीं मैं बात करते करते जब काम करती हूँ मेरा बहुत नुकसान होता है, पता नहीं ध्यान मेरा ना आप सबके साथ बातें करने में लग जाती है, मतलब मैं एक साथ 2 काम नहीं कर पाती ऐसा लगता है। बात करते करते ये स्पॉन्ज कट ही नहीं कर पाती मैं। ये देखो ये हमारा स्पॉन्ज है, मेरे हस्बैंड जी यहीं बैठे हैं, मेरे काम कर रहे हैं। दिखा दोगे क्या जी? अरे बाप रे, दिखा दोगे क्या जी? ये देखो मेरे हस्बैंड ये काम कर रहे थे, क्या बोलते हैं, चॉकलेट को मेल्ट करेंगे अभी, तो वही बॉल पे गर्म पानी करना पड़ेगा और उसको उस गर्म पानी के ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये देखो हमारा लेयर कट गई आसानी से। अब मैं बात कम करती हूँ, काम पहले कर लेती हूँ, बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, 3 लेयर्स हो गया, बहुत कम क्रीम चाहिए, तो आज का केक में ना बहुत कम क्रीम यूज़ होगा, आप सब देखिएगा। तो चलिए ये बनाते हैं। तो ये देखिए मैं ली हूँ चॉकलेट, ये ना 40 या 50 ग्राम चॉकलेट होगा 1 पाउंड केक के लिए, ये बचेगा, आज मेरी स्टूडेंट का क्लास है तो उनके लिए भी बचेगा, तो ये मैं बचाऊंगी, इसीलिए 50 ग्राम ली है। और इसको ना 20 या 30 ग्राम लेना है, मैं इसी अंदाजा में ले रही हूँ, आप अगर वेटिंग करना चाहते हैं तो 20 या 30 ग्राम वेटिंग कर लीजिएगा। ये देखिए इसी चॉकलेट पर ना इस व्हिपिंग क्रीम को लिक्विड वाला डालना है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि आज क्लास है, तो ये देखो मैं ऐसी ले रही हूँ, लिक्विड फॉर्म पे नहीं है हमारा। ठीक है, ये देखो इतना हो जाएगा,
देख लीजिए हो गया ना। अब इसे मैं क्या करूंगी, गैस पे ना गर्म पानी कर रही हूँ, उसके ऊपर ना इसको रख के ना पिघलाऊंगी, फिर हम इसको यूज करेंगे अपने केक पे। इसे स्टेपलर करके वापस फ्रिज पे रखना है। मैं लेकर आ गई हूँ अपना गनाश, इसे बोलते हैं गनाश। ये देखिए अभी पतली है, थोड़ी सी ठंडी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। अब इसी को हमें ना इसमें डालना है, मतलब फिलिंग से करना है। जैसे वनीला केक बनाते हैं, पाइनएप्पल केक बनाते हैं तो पाइनएप्पल प्लस डालते हैं ना, उसकी जगह में इसे डालना है। ये देखो बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। इन दिनों चॉकलेट केक बहुत आ रहे हैं, चॉकलेट केक के ऑर्डर्स, और मेरे पास ना प्रीमिक्स ख़त्म होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस इस पर। अच्छा है कि नहीं आया है? ये अच्छा दिख रहा है एकदम। ओपन करके दिखाओगे? तो हमारा, मैं अभी केक वो कर रही थी और हमारा पार्सल आया है। एक कुर्ती मंगाई थी डेली यूज के लिए, कुर्ती मंगाई थी, वही आया है। जगह एकदम स्पेस में तो ना बहुत कम, बहुत ज्यादा स्पेस बहुत कम है। ये देख रहे हो, अपना स्पेस ही नहीं हो पाता। इसे मैं आप सबको ना वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी, ठीक है? क्या है तो चलो रख दीजिए। तो गाइस आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है। वैसे तो माँ के लिए सभी दिन स्पेशल होता है, माँ के बिना तो एक दिन भी नहीं होता, मतलब हर एक दिन स्पेशल होता है ना। तो माँ के लिए तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसे बोल के वो करे, लेकिन हाँ माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने से ही ना एकदम सुकून मिलता है। मतलब इसका कोई वर्ड ही नहीं है, हम किस वर्ड में इसको बताएं, कोई वर्ड नहीं है गाइस माँ के लिए। और सभी माओं को मैं फिर से प्रणाम करना चाहती हूँ, सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। और ये देखिए मेरा ऑनलाइन ड्रेस आया था, तो ये ड्रेस कुछ इस तरह से आया है। आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताना ना। 350 का वो ड्रेस था। तो माँ का आज दिन है और मुझे आए हैं 2 मदर्स डे वाला केक, तो इसमें तो मैं एक माँ लिखूँगी, एक और केक बनाती हूँ वो आप नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, उस पर ना हैप्पी मदर्स डे लिखा रहता है। तो दोनों केक चॉकलेट फ्लेवर पे रहते हैं। इन दिनों चॉकलेट फ्लेवर का केक बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ना मेरे पास आज चॉकलेट प्रीमिक्स ख़त्म हो गया। यही केक था जो 2 लास्ट बचा था, इसके बाद ख़त्म हो गया। यहाँ ना चॉकलेट केक का ऑर्डर ज़्यादा आते नहीं है, करके ना मैं 1 kg का ही लेकर आती हूँ। अब ना नेक्स्ट टाइम से मैं ना 2 kg या फिर 5 kg का ही लेकर आऊँगी। तो ये देखिए ये रहा हमारा केक, आपको कैसा लगा? माँ के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं तो कर दीजिए जी।